बार की बात है, केटोना चिड़िया के तीन बेटियां थी। जो केटोनो जीरा फोत हो जाता है, मर जाता है, जो केटोना चिड़िया इन तीनों बेटियों का बोझ बहुत मुश्किल से उठाती है, और इनको पढ़ाना लिखाना भी तो होता है, और काम काज भी इस जंगल में बहुत कम होते हैं। लेकिन टोना चिड़िया बहुत परेशान होती है अपने बच्चों को लेकर। अपने बच्चों से कहती है, बेटा टोनू बेटा, मैं कुछ भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ जंगल में, आप बहनों का बहुत ध्यान रखना। उसकी बेटी एक बड़ी बौसियानी होती है जिसका नाम सुनहरी होता है, और सुनहरी बहुत अपनी बहनों का ध्यान रखती है, क्योंकि पिंकी तो बहुत ही लेजी होती है, और वो छोटी नीलो वो तो बहुत कमजोर होती है, और देखती है कि मैं कहाँ से जाऊंगी अपने जंगल में भोजन ढूंढने के लिए। लेकिन टोना चिड़िया बहुत मेहनती होती है, और अपनी मेहनत से, लगन से, और जंगल को पार करने में बहुत कोशिश करती है। जाती है दूसरे जंगल, एक बूढ़ा चील बैठा होता है, और उससे कहती है कि आसान मुझे ना जंगल में, मैंने ना मैंगो के पेड़ ढूंढने आई हूँ, कहीं से भोजन मिल जाए मुझे। और ऐसे ही काली कभी और कालू जी अपने घर में मजे मजे से बैठे हुए थे, क्योंकि ये बहुत अमीर थे, और ये कालू कवा दुबई जाता है और कुछ ना कुछ कमा के लेके आता है और काली कवि को खिलाता है। लेकिन ये दोनों बहुत ही मजे में थे, अमीर थे, और कालू कवा चला जाता है दुबई, और टोना चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने में नाकाम होती है। वो बहुत भूखी होती है, लेकिन इसको भोजन नहीं मिलता, और वहाँ से आ जाती है काली कवि और कहती है कि मुझे सुनहरी दे दो, क्योंकि ये कालू ना चला गया है दुबई और कुछ कमाने के लिए, इधर तो वो सारा सुनसान है। अस टोनी चिड़िया कहती है, अच्छा चिड़िया सुनहरी को काली कवि के पास छोड़ के, और कुछ ना कुछ खाना काली कवि देती है और दूसरे बच्चों के लिए लेके चली जाती है, और काली कवि ऊपर सोती है और सुनहरी को नीचे सुलाती है, इसको खाना नहीं देती क्योंकि ये बहुत भूखी होती है। और सुनहरी चिड़िया भूख के मारे जंगल चली जाती है और भटक जाती है, और देखती है कि दो पेड़ हैं, एक मैंगो का पेड़ है, और मैंगो से मैंगो खाती है, और टोना चिड़िया अपने घर में बच्चों को बिठाई होती है, और वहाँ से काली कवि आ जाती है और इसको बताती है कि सुनहरी गुम गई, और सुनहरी वापस आ जाती है अपनी मम्मा की याद में, और सुनहरी कहती है, मम्मा जी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला था, इसलिए मैं चली गई थी, और जंगल में मैंने एक खूबसूरत मैंगो का पेड़ देखा है, आम बहुत अच्छे लगे हुए हैं, चलो मैं आप लोगों को भी उधर ले चलती हूँ, उधर अपना घर अच्छा सा बनाएंगे। ऐसे ही टोना चिड़िया अपने बच्चों को लेके आती है, और दोनों पेड़ इनको खाना देते हैं और आम भी देते हैं, और खूब मजे मजे से खाते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी से गुजारते हैं। इधर तो खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, और सुनहरी चिड़िया अपने बहनों के लिए अच्छा करती है। लाइक